twin tarot reading. Smile. You are right. I'm questionless today. I just want to be here, just to be here. Just like some people talk to talk. Let's see if any questions pops up. Right now, it's just bliss and gratitude. बहुत अच्छा attitude है. बहुत अच्छा attitude है. कि जब हमारे जीवन के कहीं ना कहीं प्रश्न गिरने शुरू हो जाए तो हम कहीं ना कहीं अपने माइंड से जो है अपने हार्ट के अंदर जो है आ रहे हैं. जितना माइंड एक्टिव रहता है उतना जो है हम विचारों में लगे रहते हैं. हमारे भीतर जो है विचार चलते रहते हैं. और जितना जो है हम हार्ट में होते हैं उतना जो है हमारे क्वेश्चंस जो है डिसअपीयर हो जाते हैं. हमें ये दिखना शुरू हो जाता है कि लाइफ ने इतने अच्छे से जो है मेरी टेक केयर करी है. लाइफ ने इतना कुछ दिया है कि इस लाइफ के प्रति जो है मेरे भीतर से बहुत बड़ा धन्यवाद का भाव है. एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो, कितने लोगों के भीतर जो है ये अनुभव हुआ होगा कि जब प्रेमी से मिलने का एक हम प्रेमी को जब जैसे हम अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं प्रेमी से मिलेंगे, प्रेमी से बात करेंगे, प्रेमी को गले लगाएंगे, प्रेमी के साथ ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग चलती है और बहुत सारे प्रश्न हम उसके साथ जो है जैसे हमारे अंदर इकट्ठे होते हैं कि मैं उससे ये पूछूंगा, मैं उससे वो पूछूंगा. लेकिन जब प्रेमी मिलता है उस क्षण में सारे के सारे प्रश्न जो हैं जैसे कहीं डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. कोई प्रश्न जो है वहाँ पे जो है खड़ा नहीं रह जाता, क्योंकि सिंपली एक एक बड़ी एक सुंदर सी एक घटना घट रही है कि वहाँ पे हम मन से जो है अपने हृदय में प्रवेश कर गए और हृदय अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है, सेटिस्फाइड है. वहाँ उसको सब कुछ मिला हुआ है जो उसको चाहिए. तो मन हमेशा जो है एक तलाश में है. मन हमेशा जो है ढूंढ रहा है. मन हमेशा प्रश्न पूछ रहा है. मन हमेशा जो है किसी मार्ग के ऊपर जो है चल रहा है. लेकिन हृदय कुछ ऐसा है कि जहाँ पे उसको जो चाहिए वो मिल गया है. उसको ऑलरेडी जो वो मांग रहा था वो उसके साथ जो है वो घटना जो है उसके साथ घट गई है. एक छोटी सी स्टोरी है इनकी, नारद के जीवन की, भक्त नारद की. तो भक्त नारद जो हैं वो एक जंगल में से जो है गुजर रहे हैं. वहाँ उनको जो है एक तपस्वी बैठा हुआ दिखता है. तपस्वी जो है नारद जी को देख के बोलते हैं कि नारद जी आप भगवान से मिलेंगे तो मेरा जो है एक प्रश्न उनसे ज़रूर पूछिएगा. तो नारद बोलते हैं हाँ हाँ बताओ क्या प्रश्न है. तो बोलते हैं कि मैं पिछले इतने जन्मों से जो है तपस्या कर रहा हूँ लेकिन मुझे जो है बुद्धत्व नहीं घट रहा, मेरी मुझे एनलाइटनमेंट नहीं घट रही, मुझे जो है ज्ञान नहीं हो रहा और मैं अपना सब कुछ जो है दाव पे मैं लगा चुका हूँ, सब कुछ मैं छोड़ चुका हूँ, मैं पूरी तरह से जो है एक ब्रह्मचर्य एक सन्यासी का जीवन जी रहा हूँ. मैंने अपने परिवार को त्याग दिया है, मैंने सब कुछ त्याग दिया है उसको पाने के लिए. मुझे बस प्रभु से ये पूछ के बता देना कि और कितना समय लगेगा. तो नारद ने कहा कि ज़रूर जब मैं वापस आऊँगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा तुझे कि प्रभु ने क्या बोला और कितना समय लगेगा. तो थोड़ा और जब नारद आगे जाते हैं तो वहाँ पे उनको जो है एक आदमी जो है पेड़ के नीचे नाचता हुआ दिखता है. ये आदमी जो है एक अपने प्रभु को जो है पुकार रहा है, अपने प्रभु के लिए गा रहा है, अपने प्रभु के लिए नाच रहा है, भक्ति भाव में है. तो नारद जो है उनके पास जाते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं कि क्या तुझे भी कुछ पूछना है, मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूँ, अगर तेरा कोई प्रश्न हो तो मैं ज़रूर पूछूँगा. भक्त जब उनको देखता है तो वो फिक्र नहीं करता, वो अपने नाच में जो है व्यस्त रहता है. वो नाचने में इतना आनंदित है, नाचने में इतना जो है इतना खुश है कि नारद
उसको क्या बोल रहे हैं उसको जो है उस वक्त वो सुध में है ही नहीं, उसको कोई इतना परवाह नहीं है। तो खैर नारद जो है जब चले जाते हैं, और अब नारद जब वापस आते हैं तो वो उस तपस्वी से आके मिलते हैं। तो तपस्वी पूछता है कि आपने क्या पूछा प्रभु से कि मुझे और कितना समय लगेगा। तो नारद बोलते हैं हाँ मैंने पूछा प्रभु से, और उन्होंने बोला कि प्रभु तुमसे बहुत खुश है और प्रभु तुम्हारी तपस्या से जो है बहुत प्रसन्न है। इसलिए वो बोलते हैं कि बस एक जन्म और लगेगा और तुम्हारे को जो है जो जिसकी तुम्हें तलाश है वो मिल जाएगा। जब ये बात सुनी तपस्वी ने, उसका जैसे एक पेशेंस लेवल जैसे टूट गया। उसने कहा एक जन्म और, अब मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा, अब और बचा क्या है मेरे पास, मैंने सब कुछ तो कर दिया जो भी मैं कर सकता था अपने 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 तल पे, मैंने अपने जो है धन को त्याग दिया, तन को त्याग दिया, मन को त्याग दिया, क्या बचा मेरे पास, सब कुछ तो दे दिया मैंने, अभी और एक जन्म लगेगा, ये तो अन्याय है, ये तो गलत है। उसके अंदर एक जैसे एक चिड़ सी होगी, उसने कहीं ना कहीं अपना कमंडल जो है उठा के फेंक दिया, उसने कहा कि मुझे और तपस्या नहीं करनी, बात खत्म, बहुत हुआ। तो नारद को भी जो है दुख हुआ ये तपस्वी की स्थिति देख के, लेकिन नारद ने जो है उस भक्त के बारे में भी पूछा था, और अब नारद जो है थोड़ा डर रहे थे उस भक्त को बताने में कि प्रभु ने उसके बारे में क्या बोला। फिर भी जो है वो उस भक्त के पास गए, पूछे कि देखो तुमने मुझे बोला तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उस प्रभु से पूछा, उनसे पूछा कि भी तुझे कितना टाइम और लगेगा। तो उस वक्त भक्त ने कहा कि हाँ हाँ बताओ कितना समय और लगेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम जो है क्रोधित मत होना, लेकिन जो प्रभु ने बोला वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। प्रभु ने बोला कि जिस वृक्ष के नीचे तुम जो है नृत्य कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, तो इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लगेंगे। तो जब ये बात जो है भक्त ने सुनी वो तो खुशी से पागल हो गया। उसने कहा कि सिर्फ एक वृक्ष, इस जंगल में लाखों वृक्ष हैं, लेकिन प्रभु ने एक ही वृक्ष बोला और एक ही वृक्ष के पत्ते बोले। वो चाहते तो लाखों वृक्ष बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है एक ही वृक्ष बोला। और फिर वो पूरी तरह से नाचने गाने में पूरी तरह से और संलग्न हो गया, पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया, और वो उसकी जो है खुशी का ठिकाने नहीं रहा। और कहते हैं वो इतना नाचा, इतना अपने आप को उसने और इन्वॉल्व किया कि जो बुद्धत्व की जो घटना है उसके साथ वहीं की वहीं घट गई। एक तरफ जो है तपस्वी जो हमने जो दिखाया, वो तपस्वी जो है वो एक जन्म जो है वेट नहीं करना चाहता, और यहाँ पे दूसरी तरफ जो भक्त है उसको जितने मर्जी जन्म दे दो, वो कहता कि वो पहुंचा ही हुआ है। तो कितनी बड़ी बात है अगर हम इस चीज को रियलाइज करें। जब हम मन से चल रहे हैं तो मन से जब हम चीजों को करने की कोशिश करते हैं तो कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। इस तपस्वी को अगर ये भी बोल दिया जाता कि कुछ सालों में जो है बुद्धत्व घट जाएगा, उसके अंदर उतनी भी पेशेंस नहीं होती, क्योंकि वो मन की स्थिति है। लेकिन भक्त जो है वो उसके अंदर जो ऐसे जो घड़ी जो है उसकी वो टूट गई है, घड़ी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब वो प्रतीक्षा वाली जो है जैसे वो सदा के लिए जो है प्रतीक्षा कर सकता है, वो कहीं ना कहीं एक टाइमलेस जोन में जो है प्रवेश कर गया। जब हम मन में हैं तो हम
वॉच के साथ जुड़े हुए हैं, घड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम अपने हार्ट में हैं तो हम उसे एक टाइमलेस स्टेट में एंटर कर जाते हैं। तो स्माइल के साथ बहुत अच्छा हो रहा है कि जो उसका जो एक एटीट्यूड है कि अब वो सिर्फ कहीं ना कहीं होना चाहती है, अपने आप को अलाउ कर रही है होने के लिए। और यही जो है, मैं सबको भी कहीं ना कहीं बोलता हूँ कि ये एक मूवमेंट, जितनी भी मूवमेंट्स आप अपनी लाइफ की अगर क्रिएट कर सकें कि जहाँ पे हम बिल्कुल बिना किसी विचार के, बिना किसी एम के, बिना किसी बिना कुछ सोचे, अगर हम आज सिर्फ बैठ सके, पूरी तरह से रिलैक्स हो सके, तो चीज़ें जो हैं अपने आप में एक बड़ी मैजिकल चीज़ें घटती हैं कि अब हम सिंपली बस अलाउ कर रहे हैं चीज़ों को होने के लिए। जेन बोलता है, जेन जो है रिलीजन है अपने आप में, जो जापान में जो है डेवलप हुआ है, जेन इसके बारे में बोलता है, जस्ट वॉचिंग एंड सीइंग द ग्रास ग्रो, कि हम घास को बस उगते हुए देख रहे हैं, जिसका एक अर्थ सिंपल से ये है कि हम सिर्फ वी आर जस्ट वॉचिंग, हम सिर्फ देख रहे हैं चीज़ों को। हम चीज़ों के साथ जो है, हम उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन अब अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, बस चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं होने के लिए। तो जब हम चीज़ों को अलाउ करते हैं होने के लिए, उसके साथ जो है हम एक दृष्टा की एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर भाव आता है, हमारे अंदर सिर्फ एक देखने का भाव जो है क्रिएट होता है। और देखना जो है हृदय से है, मन में जो है कहीं ना कहीं सोच विचार है, वहां पे जो है एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस सारा का सारा हार्ट में है। सो जितना हम हार्ट में आ जाते हैं अपने, उतना जो है हमारे अंदर उस एक गहरे तल से जो है हम अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, एक रस से जो है अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं। यहां पे जो मन है वो कहीं ना कहीं इतना ड्राई है, प्रश्नों में जितने भी प्रश्न है कहीं ना कहीं जो ज्यादातर जो है वो मन से उठते हैं, और उन प्रश्नों में जो है एक तरह की हम जिस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा कठिन होगा कि वो चीजें जो है आपके जीवन में आपको वो मिल जाए। जब भी जितने भी गहरे अनुभव है वो कहीं ना कहीं हार्ट के है। ये अनुभव भी करा होगा आप लोगों ने कि जो गहरे जो प्रेम के जो पल होते हैं, कि अगर आपने जो है प्रेमी को जो है गले लगाया, या फिर जो गहरे जो मोमेंट्स आए आपकी लाइफ में, उस वक्त जो है आपकी आंखें बंद हो जाती हैं बहुत नेचुरली, क्योंकि आपके लिए वो एक्सपीरियंस जो है आप उसको एम्पलीफाई कर लेते हैं। जैसे ही आंखें बंद होती हैं, वो एक्सपीरियंस आपके लिए जो है बहुत, आप उसको गहरे तल पे जीना चाहते हैं, जिसका ये अर्थ हुआ कि आप मन से जो है हृदय में उतर जाते हैं। तो ये बहुत एक तरह से पॉजिटिव बात है जो मैं समझता हूँ कि अपने जीवन को जो है बहुत गहरे तल से जीना, हार्ट के तल पे जीना, और हार्ट के तल पे जीने पे हमें जो है जीवन के ऐसे ऐसे, जीवन को एक गहरे तल पे जो है हम उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं।